आज हम समझेंगे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है। हमें इन प्रॉब्लम्स की हेल्प से लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है और उस पेयर को एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करना है और उनके वेरिएबल के सोल्यूशंस को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3 और ये जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं इनको हम आने वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। फाइंड द नंबर्स। पार्ट 3 में जो स्टेटमेंट है इसमें दो कंडीशन हमें गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है कि एक दो डिजिट का नंबर है जिसकी डिजिट का जो सम है वो है 9। और सेकंड कंडीशन है कि नंबर का जो 9 टाइम है वो इक्वल होगा उसी नंबर की डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर मिलता है उसके ट्वाइस के, यानी कि उसके दो गुने के। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तो जो नंबर का 9 टाइम होगा वो इक्वल होगा उसी नंबर की डिजिट को रिवर्स करने पर, यानी कि चेंज करने पर जो भी नंबर मिलेगा उसके 2 टाइम्स के। तो इस क्वेश्चन में हमें वो नंबर फाइंड करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में दो डिजिट के नंबर की बात हुई है, तो हम कोई भी दो डिजिट का नंबर अगर कंसीडर करते हैं, सपोज़ हमने एक नंबर लिया 36। किसी भी दो डिजिट के नंबर में एक होती है यूनिट डिजिट। ये जो फर्स्ट वाली डिजिट है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, और ये वाली जो डिजिट होती है इसको हम बोलते हैं टेंस डिजिट। और किसी भी नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो होती है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। यानी कि किसी भी दो डिजिट के नंबर को एक्सपेंड करके हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्योंकि किसी भी दो डिजिट के नंबर में यूनिट और टेंस डिजिट होती हैं, तो उस नंबर को निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों डिजिट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट द टेंस डिजिट इक्वल टू एक्स एंड यूनिट डिजिट इज इक्वल टू वाई। सो एक्स और वाई के लिए दो डिजिट का नंबर होगा 10x प्लस वाई, क्योंकि दो डिजिट के नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो 10 इंटू यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट होती है। इसको हम 10x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नंबर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि दो डिजिट का जो नंबर है उसकी डिजिट्स का सम है 9। अब देखिए हमने दो डिजिट कंसीडर कर रखी हैं एक्स एंड वाई, इट मींस टेंस डिजिट और जो यूनिट डिजिट है इनका सम हमें गिवन है 9 के इक्वल। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से सेकंड कंडीशन हमें गिवन है कि अगर हम नंबर का 9 टाइम करते हैं, अब क्योंकि नंबर है हमारे पास 10x प्लस वाई, तो इस नंबर का हम कर देंगे 9 टाइम। 9 टाइम करने के लिए हम इस नंबर पे ब्रैकेट लगा के बाहर की साइड 9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा नंबर का 9 टाइम। ये इक्वल है उस नंबर की डिजिट को रिवर्स करने पर जो भी नंबर मिलेगा उसके ट्वाइस के। अगर नंबर 10x प्लस वाई है तो उसकी डिजिट को रिवर्स करने पर वाई एक्स के प्लेस पे चला जाएगा और एक्स आ जाएगा वाई के प्लेस पे, यानी कि नंबर अब हमें मिलेगा 10y प्लस एक्स। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो भी नंबर हमें मिलेगा वो ट्वाइस हो जाएगा पहले वाले नंबर का। इट मीन्स ये जो नंबर हमें मिला है 10y प्लस एक्स, ये हो जाएगा ट्वाइस, यानी कि दो गुना इस पहले वाले नंबर का। अब इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9 के हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90x प्लस 9 और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y हो जाएगा। इक्वल टू में 2 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20y प्लस 2 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम x वाले वेरिएबल को एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 90x और राइट हैंड साइड में देखिए 2x है तो ये भी x के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। इसी तरह से यहाँ पर है 9y, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस का 9y और राइट हैंड साइड में ये जो 20y है इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 20y। इक्वल टू में बचेगा 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो अब कुछ नहीं बचा। अब देखिए 90 और 2 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 88x।
और 20 और 9 को माइनस करने पे हमें मिलेगा 11 y इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन से हम 11 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 11 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 8x, क्योंकि 11 8 जा होते 88 माइनस, यहाँ से हमने 11 कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर बचेगा ओनली y इक्वल टू में 0। अब देखिए 8x माइनस y इक्वल हो जाएगा 0 और ये जो 11 है ये 0 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8x माइनस y इक्वल टू 0, क्योंकि 0 और 11 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो 1 और 2 इक्वेशंस हमें मिली हैं इनको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, यानी कि किसी एक वेरिएबल को हटा देना। इसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को पहले इक्वल बनाना होगा। बट अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए वाई वेरिएबल ऑलरेडी इक्वल है दोनों इक्वेशन में, और इनके जो साइन है वो ऊपर प्लस का साइन है और नीचे वाई के पास है माइनस का साइन, यानी कि साइन अपोजिट है। और जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो हम उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन 2 को हम इसी के नीचे लिख लेते हैं जो है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है। ऐड करने पर देखिए ये प्लस का वाई कैंसिल हो जाएगा माइनस के वाई से, और यहाँ पर x है प्लस का और नीचे 8x भी प्लस का है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू में 9 और 0 को ऐड करने पर मिलेगा 9। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइड में 9। ये वाला जो 9 है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा 1 के इक्वल। अब x की जो वैल्यू हमें मिली है इसको हम 1 या फिर 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसमें x की प्लेस पे रखेंगे 1 तो हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, और इससे y इज इक्वल टू होगा 9 माइनस 1। तो इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। अब ये जो x और y की वैल्यूज आई हैं ये है टेंस और यूनिट डिजिट। तो इन दोनों की हेल्प से हम नंबर भी फाइंड करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने नंबर कंसीडर किया था 10x प्लस y। अब इसमें x के प्लेस पर हम रखेंगे 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है, और y के प्लेस पर हम रखेंगे 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 10 1 10 प्लस 8, 10 और 8 को प्लस करने पे हमें मिलेगा 18 और यही है हमारा नंबर। तो हम लिखेंगे हैंस द नंबर इज 18। यही है हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।